गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथ्स वीडियो क्लास। लास्ट वीडियो में हम रिवीजन कर रहे हैं मैथ्स में, जिसमें मैंने आपको असाइनमेंट दिया था, असाइनमेंट नंबर 1। ये आपको होमवर्क में करने के लिए दिया था। इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए थे आपको, आई होप आपने खुद से सॉल्व किए हैं। यदि किए हैं तो आप देखिए अपने आंसर मैच कर लीजिए, क्या आपने राइट किए हैं। तो ये क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में करने को कहे थे, तो इसका आंसर देख लीजिए एंड आप टैली कर लीजिए आपने सही किए हैं या गलत। ओके, ये है आपका असाइनमेंट नंबर 1 जो आपको लास्ट वीडियो में सॉल्व करने के लिए दिया गया था। चलिए आज आगे करते हैं रिवीजन। रिवीजन में मैंने आपके इस वाले रिवीजन में चैप्टर नंबर 3 को इंक्लूड किया है। ये चैप्टर नंबर 3 का हम रिवीजन कर रहे हैं। इसमें हमें क्या करना है, अरेंज इन कॉलम्स एंड एड द फॉलोइंग। जो ये नंबर्स लिखे हैं इनको पहले कॉलम में अरेंज करना है, फिर इनको ऐड करना है। ओके, तो किस तरीके से लिखते हैं देखिए। सबसे पहले तो मार्किंग कर लेंगे इसको इंडियन प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, कॉमा लगाएंगे, फिर हम इसको ग्रुप में अरेंज करेंगे। तो ऐड करना है तो पहले नंबर लिखेंगे, ओके, एंड देन ये देखिए नंबर को पीछे से लिखना शुरू करेंगे, वंस प्लेस पे 1, 2, 3, 4, 3 एंड 8। इस तरीके से हम अरेंज करेंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर वंस प्लेस पे 1 है तो वंस प्लेस पे इधर 1 ही आएगा, ठीक है। वंस प्लेस की यहाँ पर खाली नहीं होना चाहिए नंबर, जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लैक और 10 लैक, यही होता है प्लेस वैल्यू। तो जब हम इसको लिखेंगे 72,14,366, तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर इसके नीचे जब हम लिखेंगे 8 लैक, तो 8 लैक यहाँ पर आएगा लैक के कॉलम में, 8,34,321, इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। देन हम इनको ऐड करेंगे, 6 एंड 1 7, 6 एंड 2 8, 3 एंड 3 6, 4 एंड 4 8, 3 एंड 1 4, 8 और 2 10 की 0 carry 1, 7 और 1 8। बहुत इजी है, एडिशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे इसको। तीनों को पहले अरेंज करेंगे नंबर में, नंबर्स को, फिर इनको ऐड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं क्या है। अरेंज इन कॉलम्स एंड सबट्रैक्ट द फॉलोइंग। इनमें हमें सबट्रैक्शन करनी है, माइनस करना है। किसको किससे करना है देखिए, पहले ग्रुपिंग कर लेंगे, कोमा लगाएंगे, फिर इसको नंबर को रीड करेंगे। 7,12,948 सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम 8,32,945 से। फ्रॉम मतलब से, तो ये बड़ा नंबर है, इसको ऊपर रखेंगे जब भी हम कॉलम में अरेंज करेंगे। सब्ट्रैक्ट करते समय ये हमें ध्यान रखना है। एंड देन 7,12,948 माइनस करेंगे। माइनस करना सभी बच्चों को आता ही होगा। 5 में से 8 देखिए नहीं माइनस कर सकते हैं, क्योंकि 5 क्या है, 8 से लेस देन है। तो हम क्या लेंगे, इसके पड़ोस में जो है उससे एक उधार लेंगे, ठीक है। जो टेंथ प्लेस पर है 4, इससे हम उधार लेंगे, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा और ये बनेगा आपका 15।
टेंस प्लेस से लिया है इधर उधर, तो 15 में से 8 माइनस करेंगे तो आएगा 7। अब देखिए 3 में से 4 माइनस नहीं कर सकते, तो 3 को ग्रेटर नंबर बनाने के लिए साइड से उधार लेंगे, बोरोइंग लेंगे, इधर होगा 8 और इधर बन जाएगा 13। 13 में से 4 जाएगा 9। देखिए 8 में से 9 माइनस करेंगे, 8 को ग्रेटर बनाना होगा 9 से, इधर से लेंगे 1 रहेगा यहाँ पर और इधर 1 बनके 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9। 1 में से 2 नहीं जा सकता, 1 कम है 2 से, तो 1 को ग्रेटर बनाने के लिए साइड से बोरोविंग लेंगे, एक उधार लेंगे तो ये बन जाएगा 11। 11 में से 2 माइनस करेंगे तो आएगा 9। 2 में से 1 जा सकता है, 2 में से 1 गया 1। 8 में से 7 जा सकता है, 8 में से 7 गया 1। तो आंसर आएगा 119,997। इस तरीके से आपको सबट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये वाला खुद से करेंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीप्लाई का, जिसमें हमें 8,487 को मल्टीप्लाई करना है 125 से। 125 एक 3 डिजिट नंबर है, इससे हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले सम बनाएंगे इस तरीके से, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले डिजिट्स को, फिर 2 से एंड देन 1 से, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 एंड 3 43, 5 4 जा 20 एंड 4 24 एंड 5 8 जा 40 एंड 2 42। 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा ये आंसर। देन अब हम करेंगे 2 से ऊपर वाले डिजिट को मल्टीप्लाई। 2 हमारा टेंस प्लेस पर लिखा है, तो 1 प्लेस पर क्रॉस लगा के टेंस प्लेस से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 2 से 1 जा 14, 14 का 4 कैरी 1, कैरी आप इसके ऊपर भी लगा सकते हैं या फिर बराबर में भी लगा सकते हैं, तो कैरी 1 मैंने बराबर में लिख दिया। 2 से 1 जा 14 का 4 कैरी 1, 2 8 जा 16, 16 एंड 1 कैरी को जोड़ना नहीं भूलना है हमें, 2 8 जा 16 एंड 1 17 का 7 फिर कैरी 1 दोबारा से, 2 4 जा 8 एंड 1 9 ये यूज हो गया, 2 8 जा 16। तो जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आंसर। नेक्स्ट हमें 1 से करना है, 100 प्लेस पर लिखा है तो 1 और 10 प्लेस पर क्रॉस लगा देंगे। 1 7 जा 7, 1 8 जा 8, 1 4 जा 4 एंड 1 8 जा 8। अब हम इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 10,60,875, ओके। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने तरीके से, एंड ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी एंड क्वेश्चन नंबर सी मल्टीप्लाई करना है सेम, एंड हमें डिवाइड के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो डिवाइड में आपको जरूरी नहीं है ये ही डिजिट रहे, डिजिट चेंज होकर आ सकती है, बस आपको डिवाइड करना आना चाहिए। देखिए 12 के टेबल हम काउंट करना है, 46 लेंगे स्टार्टिंग में, तो 12 3 जा 36, 12 4 जा क्यों नहीं लिया, क्योंकि 12 4 जा 48, 46 से बड़ा हो जाता। तो हम डिवाइड में क्या लेते हैं, इस नंबर के इक्वल लेते हैं या फिर इस नंबर से छोटा लेते हैं। तो 12 3 जा 36, 6 में से 6 किया 0, 4 में से 3 किया 1, ऊपर से लिखेंगे 8। क्या 108 12 के टेबल में आता है, यस आता है। 12 9 जा 108, ठीक है। 8 में से 8 गया 0, 0 ये लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर से जब हम 3 लिखेंगे तो हमने देखा 3 अभी भी छोटा है 12 से, ठीक है। तो हमें एक और डिजिट ऊपर से लिखने की जरूरत है, तो हम इसको बना लेंगे 35। जब भी हम ऊपर से 2 डिजिट एक साथ लिखते हैं तो हमें 0 लगाने की जरूरत होती है, क्योंकि ये जो है केवल जब हम 3 लिखते हैं तो ये 12 से नहीं जाता है, तो हम
ऊपर से 5 एक और लिखना पड़ता है, इसलिए ना जाने की 0 हम यहाँ पर लगाते हैं। 12 टू जा 24 लेंगे, क्योंकि 12 थ्री जा 36 बड़ा हो जाता, इसलिए 12 टू जा 24 लेंगे। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1। आगे ऊपर कोई डिजिट लिखने के लिए नीचे है नहीं, तो ये हमारा है रिमाइंडर। ये हुआ रिमाइंडर और ये हुआ हमारा क्वोशेंट। ओके, एक क्वेश्चन आपका ये डिवाइड का होमवर्क के लिए, आपको खुद से ट्राई करना है, और बड़े नंबर से भी डिवाइड करने के लिए आ सकता है एग्जाम में। ओके, जरूरी नहीं है केवल जिन वही नंबर आए जिनके हमें टेबल याद है, आपको 30, 32, 35 इस तरीके से डिवाइड करने को भी आ सकता है। डिजिट से डिजिट चेंज होकर आएगी एग्जाम में, आपको बस प्रैक्टिस करनी है मल्टीप्लाई डिवाइड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। तो ये असाइनमेंट आप खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।